फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में आज थोड़ी सी गिरावट हो गई, यानी जो अपर सर्किट का दौर चल रहा था वो रुक गया। तो ये गिरावट क्यों हुई, इसके पीछे क्या वजह बनी, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और आगे क्या संभावना बन रही है सुजलॉन एनर्जी में, जिस तरह से अभी क्वार्टर टू का रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट में क्या संभावना बन रही है, तो क्वार्टर टू के रिजल्ट को लेकर हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस लेवल पर एंट्री कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब मौका मिल रहा है खरीदारी का। काफ़ी समय से लोग कह रहे थे कि हमको खरीदारी का मौका नहीं मिल पा रहा है, आज खरीदारी का मौका है, तो क्या इस समय खरीदारी करनी चाहिए, क्या यह आने वाले समय का बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। साथ में ऊर्जा ग्लोबल के अंदर आज अच्छी खासी तेजी बनी, क्या ये अब तेजी और आगे बढ़ेगी, क्या इस समय ऊर्जा ग्लोबल में निवेश करना चाहिए, एक बड़ी अपडेट है ऊर्जा ग्लोबल को लेकर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यही स्टॉक है जो आने वाले समय में हमें मालामाल कर सकता है। ये दोनों ऐसे स्टॉक है जो एक ही सेक्टर में कारोबार करने वाली कंपनियां, यानी दोनों ग्रीन एनर्जी का कारोबार करती है और आने वाले समय का देश का जो भविष्य है वो ग्रीन एनर्जी है, सरकार भी उसका पूरा सहयोग कर रही है, तो ये स्टॉक आगे जाके मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं। फिलहाल दोनों की प्राइस भी एक जैसी है, क्या इनमें निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 7.45 पर, यही दिन भर की हाई थी, लो बनाया 6.80 का और एंड में 6.85 पर करीब 3.52% डाउन पर क्लोजिंग दिए, तो गिरावट की तरफ था और काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बना है। और ये सेलिंग प्रेशर क्यों हुआ आगे इसको चेक करेंगे। बहुत भारी वॉल्यूम के साथ में आज कामकाज हुआ है, काफ़ी दिन के बाद आज बहुत ही भारी वॉल्यूम हुआ है और ये भारी जो वॉल्यूम है यही आज गिरावट का कारण बना। अगर BSE की बात करें तो 4,10,59,000 का वॉल्यूम और सामने 1,93,18,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 47.05%। बात अगर NSE की करें तो 15,09,08,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 5,56,51,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 36.88%। तो काफ़ी समय के बाद बहुत ही भयंकर आज वॉल्यूम हुआ है, यानी पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर दो पे था आज ये सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन आज 20 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो पूरे महीने के अंदर सबसे भारी वॉल्यूम, यानी करीब 3 गुना वॉल्यूम में आज बढ़ोतरी हुई, बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम के पीछे वजह है, जो बड़े फंड हाउस ने अपना माल बेचा है उसकी वजह से ही यहाँ पे आज थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि काफ़ी जो तेजी दिखी थी उसकी वजह से इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया। जो भी बड़े फंड हाउस होते हैं वो एक कम समय के लिए ही निवेश करते हैं, जैसे उनका प्रॉफिट मिलता है उसमें बेच के वो निकल जाते हैं, और इसकी वजह से ही हमें आज थोड़ी सी ये गिरावट देखने को मिली है। तो जो यहाँ पे जो पहली बड़ी जो डील हुई है वो करीब 9:21 पे हुई थी, 7.10 रुपये की प्राइस से करीब 92,60,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई है, ये काफ़ी बड़ी बिकवाली थी और इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा दबाव हमें देखने को मिला स्टॉक के अंदर। फिर उसके बाद वापस 9:24 पर करीब 7.10 रुपये की प्राइस से करीब 75,01,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई है, और उसके बाद जस्ट वापस 9:25 पर 7.10 रुपये की प्राइस से ही 14,65,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई है। तो इस तरह से बड़ी बिकवाली जो हुई है उसके माध्यम से ही ये शेयरों की प्राइस में गिरावट शुरू हो गई, यानी सुबह के टाइम में ही बड़ी बिकवाली हुई है, बड़े फंड हाउस के माध्यम से माल बेचा गया है और इन बड़ी खरीदवाली हुई है, इनके वजह से यहाँ पे दबाव में आ गया स्टॉक और वहाँ पे फिर गिरावट का माहौल शुरू हो गया। जो बड़े एक साथ में जो शेयरों की क्वांटिटी आ गई बाजार में, उस वजह से यहाँ पे फिर गिरावट का माहौल शुरू हो गया। 2.70 इसका 52 वीक का लो है, 9.45 इसका 52 वीक का हाई है, और इसने रिजल्ट बहुत ही शानदार दिया था जून क्वार्टर का, आपको पता ही होगा आंकड़े बहुत ही शानदार है। 1.14,000 करोड़ रुपीज़ का इनको रिवेन्यू मिला था और 121.39% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली थी। नेट इनकम -22.44 करोड़ रुपीज़ थी, तो 94.36% की यहाँ पर भी हमें बढ़त देखने को मिली थी, और डायलूटेड EPS -0.03 थी, 95.89% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली थी, और नेट प्रॉफिट मार्जिन -1.98% थी, तो 97.45% की यहाँ पर भी हमें रिकवरी देखने को मिली थी। तो काफ़ी अच्छे आंकड़े थे और अब फिर से क्वार्टर टू का रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट इस बार दमदार हो सकता है। विंडो क्लोज हो चुकी है क्योंकि सुजलॉन एनर्जी ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट की पूरी कार्रवाई कर ली है, और जिस तरह से पिछली बार रिजल्ट शानदार आया था, कंपनी बड़े लॉस में से प्रॉफिट में आ चुकी है, इस बार जो है
क्वार्टर टू में बड़ा धमाका हो सकता है, यानी उससे भी शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा मजबूत है, सिद्धपुर गुजरात में उनको बहुत बड़ा एक ऑर्डर मिला है और उसके दम पे कह सकते हैं कि इस बार बड़ा कमाल हो सकता है और इस क्वार्टर टू के रिजल्ट में हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इसके शेयर के रिटर्न की बात करें तो करीब 5 साल के हिसाब से तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है हमें करीब 56.23% की, लेकिन 3 ईयर्स के हिसाब से 15.04% की बढ़त देखने को मिल रही है और 1 ईयर के हिसाब से 124.14% की बढ़त देखने को मिल रही है और 3 मंथ के हिसाब से 22.62% की गिरावट है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 7.44% की बढ़त है। 82% बायर की कॉल है, 14% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। तो अभी भी काफ़ी अच्छा रुझान लोगों का बना हुआ है, यानी करीब 86% लोग अभी भी इसको लेना पसंद कर रहे हैं। और अगर हम इसके पिवट लेवल की बात करें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 7 रुपीज़ पर इसका फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 6.90 का है और थर्ड सपोर्ट इसका 6.85 का। तो स्टॉक काफ़ी अभी नीचे आ चुका है, अपने सपोर्ट टेबल से नीचे है स्टॉक। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट है वो है 7.15 का है फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 7.20 का निकल के आ रहा है, थर्ड टारगेट इसका 7.30 का। तो फिलहाल ये इसकी प्राइस है और बिल्कुल आपको ये खरीदारी करनी चाहिए, इसको खरीदारी का मौका समझे। अभी गिरावट में स्टॉक बहुत आगे तक जाने वाला है, इसकी जो प्राइस है फ्रेंड्स आने वाले 5 साल में ये स्टॉक आपको 500 तक जाता हुआ दिखाई देगा। सुजलन एनर्जी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में हो सकता है कि आपको प्रमोटर होल्डिंग में बड़ा एक चेंज देखने को मिले। बहुत कुछ चल रहा है सुजलन एनर्जी के अंदर और एक बड़ा चेंज आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो सुजलन एनर्जी में इस समय निवेश करना चाहिए, बिल्कुल कौड़ियों के भाव में स्टॉक मिल रहा है, यह आपको मालामाल कर सकता है। ऊर्जा ग्लोबल की बात कर लेते हैं, स्टॉक ओपन हुआ 6.40 पर, हाई बनाई 6.65 की, लो है 6.35 का और एंड में 6.55 और करीब 3.15% अपर क्लोजिंग दिया। तो पॉजिटिव क्लोजिंग है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में आज काम हुआ है। पिछले एक महीने पहले इसका 24 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 22 लाख का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 31 लाख का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन आज 86 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो यहाँ पर भी करीब 3 गुना वॉल्यूम में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली, लोगों की अच्छी वैल्यूएबल बाइंग हुई। और जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि आने वाले 2028 तक सोलर पावर मार्केट करीब 6.9% CAGR तक पहुंच जाएगा, तो बहुत अच्छा मार्केट कब्जा हो सकता है सोलर पावर का। और जो बड़े खिलाड़ी हैं मार्केट के उनके जो लिस्ट है उसके हिसाब से इस मार्केट में जो इसका बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा उनमें विवान सोलर इंडिया की कंपनी है, साथ में नेक्स्ट एरा एनर्जी है सोर्स, ये LCC US की कंपनी है और साथ में ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड, यानी ऊर्जा ग्लोबल भी बहुत बड़ा मार्केट शेयर आगे जाके हासिल करेगी इस क्षेत्र के अंदर। और इस तरह से जो रिपोर्ट निकल के आ रही है और सन पावर कॉरपोरेशन US की है और यांगली सोलर चाइना, तो इन कंपनियों के अंदर 2 इंडियन कंपनियों का नाम आ रहा है जो है विवान सोलर और साथ में है ऊर्जा ग्लोबल। तो आप देख लो भविष्य बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है ऊर्जा ग्लोबल का, क्योंकि आपको पता ही होगा ये EV बैटरी बनाती है और आने वाले समय में EV का ही जमाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर भी आ चुके हैं और 4 व्हीलर भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे। तो इन क्षेत्र में अब जो कमाई का जरिया बनेगा ये बहुत तेज़ी से स्टॉक आगे बढ़ेगा और क्योंकि साथ में सोलर प्रोडक्ट भी बनाती है कंपनी, तो इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। 2.85 का 50 रुपये का लो है और 9.35 का 50 रुपये का हाई है। और कम्युनिटी सेंटिमेंट की बात करें तो 83% बाय की कॉल है, 0% सेल की कॉल है, 17% होल्ड की कॉल है। तो आप देख लो करीब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं, स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश जोन में है। अगर हम इसके पिवट लेवल को चेक करें तो यहाँ से स्टॉक अगर स्लिप होता है तो 6.27 का इसका फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 6.18 का है और थर्ड सपोर्ट 6.12 का है। ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो टारगेट जो निकल के आ रहे हैं वो है 6.42 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 6.48 का है और थर्ड टारगेट 6.57 का है। तो इस तरह से टारगेट निकल के आ रहे हैं और ये दोनों स्टॉक निवेश के लिए अच्छे बन रहे हैं, इनमें निवेश आपको बिल्कुल करना चाहिए। दोनों के टारगेट 500 के हैं 5 ईयर के लिए, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, ये आपको मालामाल कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इनमें तेज़ी बनेगी। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।